अडानी ग्रुप के सदर नशीन गौतम अडानी ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान कई अमूर पर खासकर अडानी ग्रुप की जानिब से रियासत में सरमायाकारी के मौजू पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर गौतम अडानी ने रियासत में कायम की जा रही यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए अतिया देने का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को चेक हवाले किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने एक वीडियो पैगाम में ये बात बताई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की पेशकश में मुख्तलिफ शहरों से मुतालिक स्टॉक फोटोज थे और फ्री पिक जैसी मुख्तलिफ वेबसाइट से एआई से तैयार करदा तस्वीरें ली गई थी, जिन्हें हुकूमत के मंसूबों के तस्वीर के तौर पर पेश किया गया। इन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस के दरमियान फर्क जाने बगैर शानदार पेशकश की। मुलाजमीन के मसाइल को हल करने की कोशिशें हैं। मुलाजमीन ने मोहम्मद रहमत अली को मुबारकबाद देते हुए इनकी शॉलपोशी की। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट एनजीओ के रियासती सदर मोहम्मद रहमत अली ने कहा कि वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और वर्कर्स के मसाइल हल करके इनकी तरक्की में कायदाना किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद रहमत को रियासती सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर कई रहनुमाओं और मुलाजमीन ने इन्हें मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के जेरे अथवा मसाइल को हुकूमत के नोटिस में लाएंगे और इन्हें जल्द हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत टीएसपीएससी ग्रुप 1 के इम्तिहानी मराकज के 200 मीटर के दायरे में 21 से 27 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ये इकदाम साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर अविनाश मोहंती के फैसले के बाद किया गया है, जिन्होंने भारतीय शहरी तहफ़ सुनहता BNSS के दफा 163 के तहत अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप 1 के मरकजी इम्तिहानी मराकज के करीब 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयत की है। अहल उम्मीदवार के हालिया एहतजाज के बाद ये फैसला किया गया। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के मुआयने के बाद हुकाम ने बेगमपेट के प्रकाश नगर में एक चिकन सेंटर पर 700 किलोग्राम सड़ा हुआ चिकन जब्त किया। ये छापे बलाया चिकन सेंटर पर हुए, जहां हुकाम को पता चला कि खराब शुदा चिकन मुकामी फास्ट फूड आउटलेट्स और शराब की दुकानों को सप्लाई किया जा रहा था। तलाशी के दौरान ये बात सामने आई कि बोसीदा मुर्गे के गोश्त के साथ चिकनाई और चिकन की हड्डियों को फरोख करने से पहले केमिकल से ट्रीट किया जाता था। तेलंगाना में ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी है और अब ये इम्तिहानात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस हवाले से दाखिल की गई दरख्वास्त को मस्तरद करते हुए इम्तिहानात को मुकर्रर वक्त पर मुनक्कद करने का फैसला सुनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस दरख्वास्त को मस्तरद कर दिया, जो ग्रुप 1 इम्तिहानात के खिलाफ दाखिल की गई थी। ताहम सिंगल बेंच के फैसले की हिमायत करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। इस फैसले के बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC को इम्तिहानात के इनेकाद में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ED हैदराबाद जोनल ऑफिस ने भत्ताखोरी और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA 2002 के दफात के तहत तकरीबन 1,01,00,000 रुपए के एसासे बुक वैल्यू के मुताबिक जब्त किए हैं। मोहम्मद खैसर उर्फ पहलवान खैसर हबीब नगर पुलिस स्टेशन के रॉडीशीटर बताए गए हैं। ED ने मोहम्मद खैसर और दीगर के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की तरफ से दर्ज की FIR की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया।
तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राकेश रेड्डी पर सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में तेलंगाना पुलिस के एक अहलकार के खिलाफ तौहीन अमेज और फिरका वाराना तबसरे करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। एमएलए का वीडियो सोशल मीडिया पर मंजरेआम पर आने के बाद तेलंगाना पुलिस ने एमएलए राकेश रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया। पीर 14 अक्टूबर को मुबैना वीडियो में एमएलए को पुलिस अहलकार के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सुना गया। इनके तबसरे मुतियालम्मा मंदिर और इसके आसपास में फिरका वाराना कशीदगी के दरमियान आए हैं। बिग बॉस सीजन 8 के मुकाबला करने वाले आरजे शेखर बादशाह को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने जुम्मा को यूट्यूबर हर्षा साई केस में मुतासरा पर तौहीन अमेज और बेबुनियाद इल्जाम लगाने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। मुतासरा ने साइबर क्राइम पुलिस में शेखर बादशाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इन्होंने यूट्यूब के कुछ न्यूज चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में इनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने जुम्मा 18 अक्टूबर को महकमे खुराक और सिविल सप्लाई के सार्फिन के अमूर के दफ्तर में एक सेक्शन ऑफिसर को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा सेक्शन ऑफिसर की शिनाख्त विक्रम अलेक्जेंडर के तौर पर की गई है। एसीबी के अहदेदारों ने इसे रिश्वत की 15,000 रुपए की रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया। एसीबी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार ऑफिसर पेंशनरी फवायद की फाइल पर कार्रवाई के लिए रिश्वत की रकम का मुतालबा कर रहा था। के इलम भर्ती, जिन्होंने जुम्मा को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला है, शहरी इदारे के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों को मशवरा दिया कि वो तालमेल से काम करे और शहर के लोगों को बेहतर खिदमात को यकीनी बनाए। कमिश्नर ने तमाम महकमों के एचओडीज के साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग की और इनके मुतालिक विंग के जरिए किए जाने वाले कामों और प्रोग्रामों के बारे में दरियाफ्त किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनियर दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एंजल स्कीम को रोक दिया था, लेकिन इसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले शख्स को मुफ्त इलाज किया जाएगा। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने एंजल स्कीम को रोक दिया था, लेकिन इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। जब भी कोई सड़क हादसा पेश आता है तो हमने अक्सर देखा है कि इंसान सड़क पर ही मर जाता है, कोई भी इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता। इसके पीछे दो वजूहात है, पहले लोग ये समझते हैं कि इनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जाएगा, दूसरी वजह यह है कि अगर कोई जख्मी शख्स को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर पहले इसे रकम जमा करवाने के कहेंगे। साबिक वजीर आला ने कहा कि दोनों मसाइल दिल्ली हुकूमत के एंजल स्कीम से हल हो गई। स्कीम के तहत आप जख्मी शख्स को किसी भी करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं तो इनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली हुकूमत देगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के जमीनी इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिरकत के हवाले से वजाहत की है। इन्होंने बताया कि मजलिस अपना दल पार्टी के साथ इत्तेहाद में आगे बढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश में अच्छे से काम कर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश के जमीनी इंतखाबात में अपना दल के रहनुमा डॉक्टर पल्लवी पाटिल के साथ मुकाबला करेंगे। इनका कहना था कि इत्तेहाद के हवाले से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और इनकी पार्टी के सदर ने इस बात की तस्दीक दी है कि वो दो सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि बाकी सीटों के बारे में फैसला पल्लवी पाटिल करेगी। हरमैन शरीफ के इंतजामिया ने जायरीन की सहूलत के लिए एक नए लॉकर्स प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत जायरीन अपने सामान को महफूज रखने के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। ये अकदाम सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत जायरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम करने की कोशिश का हिस्सा है। हरमैन अथॉरिटी ने जायरीन को ये इत्तला दी है कि वो लॉकर्स प्रोग्राम के लिए अपनी दरख्वास्तें 17 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक जमा करवा सकते हैं। हमदी नामों का ऐलान इस मुद्दत के बाद किया जाएगा, जिसमें जायरीन को इनके सामान को महफूज तरीके से रखने की सहूलत हासिल होगी, ताकि वो मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम से हाजिरी दे सकें।
बॉलीवुड अदाकार सलमान खान एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद से सुर्खियों में हैं। अब बाबा सिद्दीकी की मौत के 6 दिन बाद अदाकार को फिर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। धमकी अमेज पैगाम भेजने वाला शख्स खुद को लॉरेंस गैंग का रुकन होने का दावा कर रहा है। ताहम मुसलसल धमकियों के बावजूद दबंग खान ने अपने पेशावराना वादू को पूरा करने का फैसला किया। दरअसल काफी अरसे से ये खबर आ रही थी कि सलमान खान बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार की शूटिंग नहीं करेंगे। सलमान सख्त सिक्योरिटी के साथ ये शूटिंग करने जा रहे हैं। अदाकार कल रात सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सेट पर पहुंचे थे, जहां सेट पर इनके लिए कंपाउंड्स बनाए गए थे और इन्हें इनमें ही रहना होगा। सलमान खान के साथ इनकी जाती सिक्योरिटी और वाई प्लस सिक्योरिटी वाले भी होंगे।